हाई गाइज कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर फाइन और आप लोगों का रमजान जा रहा है बहुत अच्छा घर माशाल्लाह सेट हो गया है बहुत प्यारा बहुत अच्छा आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया उस वीडियो पे आज है हम लोगों के घर दावत मेरे बहुत से फ्रेंड्स आ रहे हैं एंड आई है किचन डायरेक्टली बट बिफोर दैट आई वॉन्ट यू वर्ल्ड सब्सक्राइब टू माई चैनल आज का जो हम लोगों का मेन्यू है उसमें हम लोगों के पास बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें हैं सबसे पहले तो हमने कॉफी डिलाइट बनानी है अलोंग विद दैट हम लोगों ने बनानी है फ्रूट चाट बिरयानी बफेलो हनी विंग्स और भी मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं ये हम लोग डाल रहे हैं बिरयानी मसाला और बहुत ही यम किस्म की हमारी बिरयानी बन रही है अलॉन्ग विद दैट हम लोग बना रहे हैं लसान या रोल अप्स बहुत ही यम बनते हैं ये भी और ये आप लोग देख सकते हैं कॉफ़ी डिडाइट की मैंने लेयर्स वगैरह लगा दी हैं अब इसके ऊपर हम लोगों की लास्ट जो है चॉकलेट की लेयर लगेगी और साथ में ये आप लोग देख सकते हैं हमारे लसानिया रोल अप्स दे आर रेडी टू गो इन द बेकिंग ओवन और मैंने चीज़ डाल के इनको बेकिंग ओवन में डाल दिया साथ में हम लोगों के पास हमारे विंग्स ठंडे पानी में डिप हुए हुए हैं बिरयानी का मसाला रेडी हो गया है थोड़ी देर में बस लेयर्स लगा दूंगी फ्रूट चाट बनाना जो है ना मेरा फेवरेट काम है बिकॉज इसमें आप फ्रूट्स वग़ैरह कट करते हो रैंडमली उनको मिक्स करते हो और एट द एंड ऑफ इट यू गेट अ रियली गुड रिज़ल्ट आउट ऑफ इट मेरी कोशिश होती है मैं क्या होता है बहुत सारे फ्रूट्स को मल्टीपल फ्रूट्स को मिक्स करूँ जिसमें स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं फिर आपके पास एप्पल्स आ जाते हैं बनानाज आ जाते हैं ऑल दो आई रियली डोंट लाइक बनाना उसका जो टेस्ट होता है फिर वो थोड़ी देर बाद लेस छोड़ देता है आई डोंट लाइक दैट अफेक्ट ऑफ इट बट फ्रूट चाट में अक्सर लोग डालते हैं और खाना भी पसंद करते हैं सो ऑब्वियसली मैं अपने गेस्ट्स की प्रेफरेंस देखूंगी और उसके हिसाब से बनाऊंगी सो एप्पल्स हो गए हमारे स्ट्रॉबेरीज हो गई अलॉन्ग विध दैट मैंने इस दफ़ा ट्राई किया कि यार इसमें ब्लू बेरीज़ और पाइन ऐपल डाल के देखते हैं पाइन ऐपल का भी बहुत मज़े का टेस्ट आया था ठीक है इट वॉज रियली एम आई रीली लाइक दैट खट्टा मीठा अफेक्ट एंड एट ठीक है और साथ में मैंने इसके जो है ब्लू बेरीज भी ऐड कर दी और मैंने इसमें औरेंज भी डाले थे ट्रस्ट मी गाइज आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद गूदा बन गया होगा बिकॉज सारे डिफरेंट फैमिलीज़ के फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए लेकिन ट्रस्ट मी विद दिस वन आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है सारे फ्रूट्स इसमें मिक्स करें सिवाय खरबूजा और जो रेड वाला खरबूजा होता है वो उनके अलावा आप जो भी डाल दें बहुत मज़े का बनेगा ठीक है एप्पल स्ट्रॉबेरी ऑरेंज पाइन ऐपल और अलॉन्ग विद दैट हम लोगों की ब्लूबेरीज स्ट्रॉबेरीज बनाना ये वाली सारी यम, यम चीज़ें हम लोगों की आम फ्रूट चाट में गई हैं इसके अलावा इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने अपनी फ्रूट चाट के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करती हूँ मैं ठीक है ये इस तरीके से मैं जब भी बनाती हूँ ना एवरीबडी लव्स इट देर लाइक दे वॉन्ट टू नो कि यार क्या मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐसा डाला है किस चीज़ की वजह से इसका टेस्ट इतना मज़े का है द मेन इन्ग्रीडियंट इसके आपने इसमें अपनी तरफ से जो आप फ्रूट्स डालना चाह रहे हो वो डालो ट्राई टू तो कीप इट क्रीमी एज क्रीमी एज यू कैन मैं इसमें विपिंग क्रीम भी अक्सर यूज़ करती हूँ और थिक क्रीम भी यूज़ करती हूँ ठीक है और इसमें आप लोग थोड़ा सा सिरप भी ऐड कर सकते हो स्वीटनर टू मेक इट स्वीट बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बनानाज़ ऐड कर दिए हैं और आपने उसके अलावा बाकी भी सारे फ्रूट्स की अपने भी इतनी स्वीट होती है सो आई थिंक बाकी स्वीट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती ठीक है साथ में ये ड्राइड मैंगोज़ मिलते हैं फ्रॉम वीवा ठीक है इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है लेकिन आप नॉर्मल मैंगो भी ऐड कर सकते हैं उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा लेकिन मेरे पास नॉर्मल मैंगो नहीं था फिर मुझे आइडिया आया कि यार मैंने तो ड्राइड मैंगोज़ लिए थे वीवा से और इनका टेस्ट बड़ा मज़े का खट्टा मीठा सा होता है लाइक खट्टा मीठा होता है अगर आप लोग को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी मुझे अब एक्जैक्टली exactly समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को एक्सप्लेन कैसे करूँ इनका टेस्ट ये थोड़े से हार्ड होते हैं बट जैसे ही आप इनको क्रीम में डालोगे तो ये एकदम सॉफ्टीज़ बन जाएंगे ठीक है सो वट यू हैव टू डू इसके आपने इनको भी चॉप करके अपनी फ्रूट चाट में मिक्स करना है एंड अलॉन्ग विद डैट ड्राई फ्रूट्स अपने ऐड करके और आप इसमें अपनी थिक क्रीम डाल के इसको मिक्स करके रखते हैं ठीक है ये हम लोगों के विंग्स हैं जो कि बटर मिल्क में मेरीनेट होके पड़े हुए हैं इसके बाद हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे आटा ठीक है घंटे के लिए मैरिनेट कर लें बेशक जो आपको बेहतर लगे आटा लगा के आटा एजन मैदा और कॉर्नफ्लावर उनको मिक्स कर लें नमक काली मिर्च डाल के और इनको आपने डीप फ्राई करना है वंस दे डीप फ्राइड आपने इनकी जो सॉस है वो प्रिपेयर करनी है ठीक है और जो भी सॉस आपको पसंद है लोग पेरी पेरी सॉस भी यूज़ करते हैं हम लोगों ने घर पे अपनी स्क्रैच से हनी बफेलो सॉस बनाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी और हम लोगों के सबसे ज़्यादा तारीफ जो है विंग्स की हुई थी ठीक है विंग्स स्वीट खट्टे मीठे बने थे इसके ऊपर मैंने सेसमे सेट से गार्निशिंग की थी अलॉन्ग विद डेट हम लोगों ने हल्का सा हनी इनके ऊपर ड्रिजल किया था बहुत मज़े के बने थे बहुत ही आला किस्म का इनका टेस्ट था और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी एवरीबडी लव्ड वट वी कोकड ये आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें हम लोगों की रेडी हैं लजानिया रोल बिरयानी हो गई हम लोगों की कॉफ़ी डिलाइट फ्रूट चाट और हमारे विंग्स याम या देखे भूखियाँ आ गई हैं और बस खाने शुरू हो गए देखो ये लो ये स्पचुआ हमारे घर कर... चीफ <laughs> अब तो आप चक्की नहीं काट सकती क्योंकि आपके दांत टूट गए नहीं 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 काट सकती एक और जूस एक और जूस एक और बारबीकन नहीं एक और जूस हाँ एक ही डालिए बहुत तेज जाती है ये देखिए जी हमारे घर जब भी गेस्ट आते हैं ये बर्तन धोते हैं बहुत मज़ा आया है इफ्तारी करते हुए ऑल दो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अनदर अदर टू फ्रेंड्स लेकिन दे कूडेंट मेक इट बट हम लोगों ने भी अपना बहुत इन्जॉय किया इट वॉज सो मच फन द इज़ कि जब आप किसी और कंट्री में रहते हो तो <laughs> यू हैव टू यू नो मेक योर ओन फैमिली यू चूज द पीपल एंड यू स्पेंड टाइम विद दैम एंड इवेंचुअली दे आर लाइक फैमिली आप इतने क्लोज हो जाते हो और मतलब जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं मतलब मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं नए फ्रेंड्स बना सकूँ लाइक आई डोंट नो आई डोंट हैव इट एंड मी टू मेक न्यू फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स होवर नाइस टू मी होवर काइंड टू मी होवर एक्चुअली सिंसियर विद मी दे आर स्टिल विद मी सो so, वर्षा लोगों से तो मेरी बहुत पहले दोस्ती हुई थी एक्चुअली इन 2017 और लाइक like, हम लोग बीच बीच में कहीं ना कहीं बिजी हो जाते थे, थे. लेकिन फिर हमारी बातचीत हो गई फिर मिल लिया थोड़ा बहुत फिर बिजी हो गए फिर आई मेट हर हेयर इन दुबई शी वॉज हैंगिंग आउट विद हर फ्रेंड एंड आई वॉज हैंगिंग आउट विद माइन एंड आई लुक टेट हर एंड आई लाइक आई थिंक दिस इज वर्षा एंड शी वज़ हम दोनों ने मतलब एक दूसरे को पहचाना इट वॉज दज अटीफुल थिंग और उसके बाद हम लोगों का आना जाना ज्यादा हो गया बिकॉज अब मुझे नहीं पता था कि वो दुबई आई हुई है एंड शी हैज़ एक्चुअली मूवड हेयर और उसे भी नहीं पता था कि मैं आई हुई हूँ सो हम But now, Alhamdulillah, or the fact that we also live nearby, so it's pretty easy uh, to hang out and all. सो so, बहुत अच्छा लगा टाइम साथ स्पेंड करके सबको खाना भी बहुत अच्छा लगा अम, आप लोगों को पता है इफ्तारी में तो वैसे कुछ ना मज़े का भी हो तो सम्भाव अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं एंड यू एक्चुअली इन्जॉय इट एंड यू लाइक द टेस्ट ऑफ़ इट सो एनी वेज़ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में बहुत इंजॉय किया आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गिव इट अ थम्स अप आई नो कि इसमें मैंने इतनी डिटेल्ड रेसिपीज़ नहीं डाली आई एक्चुअली वॉन्टेड टू मेक इट लुक लाइक अ कुकिंग व्लॉग लेकिन सम हाउ आई कुडेंट मेक अ कुकिंग ब्लॉग क्योंकि मैं कुकिंग में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी चार बजे मैंने स्टार्ट किया था सो so, छ के अराउंड हो जाती है अवतारी सो आई वॉज लाइक नई मेरे पे सिर्फ दो घंटे हैं आई डोंट हैव टाइम आई हैव टू कुक एवरीथिंग एंड आई हैव टू मेटेन एवरी थिंग ऐसा ना हो वो लोग घर पर आए और कुछ रेडी ना होट द एंड ऑफ विट ड्रिंक्स वाकई नहीं बने हुए थे सो माई फ्रेंड्स एक्चुअली दे हेल्प मी विथ मेकिंग द ड्रिंक्स बट एनी वेज एवरी थिंग वेंट नाइस एंड फाइन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है डू लेट मी नो इन द कामेंट्स डू लेट मी नो कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गया आप लोग अगर बाहर की कंट्रीज़ में हैं तो डू यू गैस हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स और वट डू यू गैस एक्चुअली डू सो लेट मी नो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़